अगर कॉन्डोम में मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो और उस वजह से आप पाप बन गए तो क्या करेंगे। इसी टाइप का एक मूवी मैंने तेलुगु में देखा जिसका नाम है जनता आई थे गनका। तो ये मूवी का जो टॉपिक है ना, इस प्रकार के बॉलीवुड में शायद कुछ मूवी बन चुका है इस टॉपिक पे ना, लेकिन इसके आसपास के टॉपिक में, लेकिन तेलुगु में इस प्रकार का टॉपिक पे मूवी पहला है और इसका हीरो है सुहास और इसका प्रोड्यूसर बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है दिलराजू। तो इस मूवी का स्टोरी ये कि सुहास एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसका मंथली इनकम है 30,000। तो नया नया शादी किया है, तो शादी के 2 साल बाद भी वो बच्चे के बाप बनने के लिए राजी नहीं है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इतनी पैसों में वो अपने बच्चों के ठीक तरह से परवरिश नहीं कर पाएगा। तो उसकी पिताजी बहुत प्रेशर देता है बाप बनने के लिए, तो पिताजी को आखिर में समझा देता है कि उससे ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इस बीच उसे पता चलता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो वो जो कॉन्डोम कंपनी है उसकी अगेंस्ट में कोर्ट पे केस कर देता है। उसके बाद क्या होता है, ये इस मूवी का स्टोरी है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, नो डाउट, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन उतने अच्छे लेवल पे हुआ नहीं। इस प्रकार का टॉपिक पे जनरली कॉमेडी मूवी बनता है, तो ये मूवी भी बिल्कुल कॉमेडी मूवी है, लेकिन इसका जो उस प्रकार का नरेशन रखा गया, जिस प्रकार से स्क्रीन प्ले है और डायलॉग है, सब कुछ कुछ अच्छा खास जमा नहीं। फर्स्ट हाफ में फिर भी मूवी अच्छी थी नो डाउट, क्योंकि सारे कैरेक्टर को बिल्डअप दिया जा रहा था, सारे एक दूसरे के साथ रिलेशन बताया जा रहा था और एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम ये भी बताया जा रहा था। लेकिन जैसे सेकेंड हाफ में ये मूवी कोर्ट रूम पे एंटर करता है, तब से ये मूवी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए, कोर्ट में ना हमेशा, कोई फिल्म में हो या बाहर में जही कहीं पे भी हो, कोर्ट में लॉजिक चलता है, लेकिन यहाँ पे मैं ठीक तरह से लॉजिकली जो सीन है उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। कई सारे सीन काफी इलॉजिकली उसको ड्रैग किया गया जबरदस्ती। नहीं तो सोचिए कि वेनिला किशोर है, वेनिला किशोर कोर्ट में इलॉजिकली बात करे, उसे कोर्ट के कायदे कानून कुछ पता ही नहीं, ऊपर से और भी जज सोच रहा है अपनी बीवी के बारे में जब इस प्रकार की बातचीत चल रही है। आखिर में जब सुहास की जो बीवी है उनकी जो डायलॉग है उससे ये मूवी कंक्लूशन में जाती है, लेकिन कंक्लूशन तक ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी इसकी जो नरेशन है वो मुझे सही नहीं लगा। एक्टिंग की बात करें, सुहास एक मिडिल क्लास फैमिली की, मिडिल क्लास लड़कों की रोल किया है, मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों के, लेकिन क्या ना कि इस प्रकार की रोल उन्होंने कई कर लिया है, सारे इस प्रकार का रोल किया है उसने कैरियर में, अपने कैरियर में सारे शायद इस प्रकार का रोल किया है, तो इसमें कुछ नया नहीं लगा उसको। ऐसे उसके लिए ये रोल तो ट्रेलर में थे, लेकिन फिर भी उसमें उन्होंने कुछ खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। वेनिला किशोर ठीक ठाक है, काफी अच्छा कॉमेडी, मुरली शर्मा जब से आता है कोर्ट रूम में वहां से थोड़ा अच्छा लगने लगता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश किया, एक्चुअली किया है ना, अगर राइटिंग ठीक ठाक ना हो, चाहे भले जितनी बड़े एक्टर आ जाए, जितनी बड़े डायरेक्टर आ जाए, कोई सीन फिल्म या सीन को बचा नहीं सकता, वही हुआ इस मूवी के साथ। और ऊपर से इसका गाना भी कुछ खास अच्छा नहीं, बीजीएम अच्छा है और टॉपिक अच्छा है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं, और इसीलिए मैं इस जनता आई थे गनका मूवी को 5 में से 2.5 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।